नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। इस समय यूपी से बड़ी खबर आ रही है। नगर निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नगर निकाय चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज 9 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 4 मई को और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को कराया जाएगा। 13 मई को दोनों जगह मतगणना कराई जाएगी। आपको बता दें, 2 चरणों में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव कराया जाएगा। दोनों चरण में 9-9 मंडल हैं। बात करें पहले चरण में तो सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी, पहले चरण में इन जगह मतदान कराया जाएगा जो 4 मई को है। वहीं अगर बात करें दूसरी चरण को, जो 11 मई को मतदान होंगे, वहां पे मेरठ है, बरेली है, अलीगढ़ है, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर, इन 2 जगह चुनाव होंगे। यानी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। वहीं तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। किस तरीके से आज से पूरे प्रदेश में अधिसूचना जारी है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना करने के लिए 11 फरवरी का दिन किया गया है। अगर पर्चा, जो भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन करना चाहता है, उसके लिए डेटों का ऐलान है। 11 अप्रैल को प्रथम चरण के लिए, 11 से लेकर 17 अप्रैल तक प्रथम चरण के लिए वो अपना पर्चा ले सकता है। वहीं द्वितीय चरण की बात करें, दूसरे चरण की, तो 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक का ये दिन है। पर्चा वापिस लेने का जो दिन है पहले चरण के लिए वो 18 अप्रैल है और जो दूसरे चरण के लिए वो 25 अप्रैल का। यानी प्रदेश में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होंगे और इसके लिए प्रदेश सरकार में आज से दोनों चरणों के लिए अधिसूचना लगा दी गई है। यानी प्रदेश में आज से अधिसूचना लगा दी गई है और जो डीएम को जिला निर्वाचन अधिकारी बनना है उसके लिए कल का दिन, यानी डीएम जो है वो 10/4/2023 से जिला निर्वाचन आयोग के भूमिका में, अधिकारी के भूमिका में आ जाएंगे। प्रथम चरण के लिए 10/4/2023 और द्वितीय चरण के लिए 16/4/2023 को जिला निर्वाचन अधिकारी के भूमिका में जिला अधिकारी होंगे। तो उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर, 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव होंगे। तो एक पहला चरण जो है वो 4 मई को और दूसरा चरण 11 मई को होगा और दोनों की जो मतगणना है वो 13 मई को कराई जाएगी। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।